नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। देखिए अभी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो कि 21 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन हमें प्रवीण साहू, रंजीत कुमार वर्मा और रुपेश आनंद ने सेंड किया, तो आइए जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हमने आपको एक वीडियो अपलोड कर रखा है, इसके फर्स्ट पार्ट आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपका एग्ज़ाम आज थे तो आप उससे आंसर्स मिला सकते हो, अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दे दूं कि अगर आपका एग्ज़ाम आज था या आने वाले टाइम में, तो आप प्लीज़ हमें क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सेंड करिए। अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले टाइम में होंगे, जैसे कि अगर कल हो परसों हो, तो आपके जैसे ही एग्ज़ाम हो आप सारे क्वेश्चंस जो जो आपको माइंड में होते जाए आप हमें क्वेश्चन शेयर करते जाओ, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, साथ ही साथ आपको भी हेल्प मिल सकेगी कि आपको जो भी क्वेश्चंस मिलाने हो, आपको जिस आंसर में कन्फ्यूज़न हो, आप सारे चीज़ को अच्छे तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो, अच्छे तरीके से मिला भी सकते हो, और बाकी सारे स्टूडेंट्स को तो हेल्प होंगे ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे दो नल एक टंकी को 12 तथा 10 घंटों में भरते हैं, तीसरा नल 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो 12 घंटे में टंकी कितना भर जाएगा। ये क्वेश्चन हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपके नल वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन होते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन, और जो आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों आपके एक ही सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, एक ही चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको चाहे वो आपका पाइप टंकी हो या आपका ये इस तरीके का क्वेश्चन हो, टाइम एंड वर्क के हो, दोनों को आपको एक ही तरीके से बनाना है। अब हम इसे टाइम एंड वर्क के थ्रू कैसे बनाएंगे, करे दो नल है, फर्स्ट नल एंड सेकेंड नल, एक टंकी को 12 और 10 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा नल भी आपको दिया गया है जो 6 घंटे में भर सकता है, तो हम उसे भी लिख लेंगे जो दिया गया है। सबसे पहला लिख लो टाइम एंड वर्क का, तो हमारा फंडा यही होता है। तो हमने लिखा तीसरा नल 6 घंटे में भर सकता है, तो आपको 6 घंटे में ये खाली कर सकता है, आपको ध्यान क्या देना है, भर सकता है या खाली कर सकता है। आपका क्वेश्चन कर रहा है तीसरा नल के बारे में कि खाली कर सकता है, तो आप इसमें माइनस साइन दोगे, नेगेटिव साइन दोगे, -6 हो गया। अब अगर एक टंकी 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10, तीसरा -6, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला हमें एलसीएम ले लेते हैं, तो 12, 10 एंड 6 का एलसीएम 60 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एलिगेट करना है। एलिगेट में आपको, अगर एलिगेशन के प्योर एलिगेशन के चैप्टर्स की बात करूँ, तो उसमें आपको एलिगेशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, बट यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। 60 डिवाइडेड बाई 12 हो गया 5, 60 डिवाइडेड बाई 10 6, 60 डिवाइडेड बाई -6 है तो -10। अब ये सारे हमारे आ गए, ये सारे होंगे क्या, तो हम 60 को मानेंगे कि हमें टोटल जो टंकी को भरने थे वो हमारे 60 यूनिट है। जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में बोलते हैं ये हमारा टोटल वर्क है 60 यूनिट, उसी तरीके से हमें टोटल टंकी को भरने हैं 60 यूनिट, एंड 5, 6, -10, ये सारे को हम मानते हैं इफिशियंसी, यानी कि क्षमता, कि जो हमारा नल 1 है वो उस टंकी को एक दिन में उस टंकी का 5 यूनिट भर सकता है, नल 2 6 यूनिट, एंड नल तीसरा जो है -10 यूनिट वो खाली कर सकता है। अब पूछ रहे 12 घंटे में टंकी कितना भर जाएगा, इसके लिए हमें ये ज़रूरी है जानने की के लिए कि एक घंटे में कितना भरता है। तो अगर 1 आवर की बात करें, तो तीनों नल की बात करें, तीनों नल का हमारा 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, एक नल 5 यूनिट भरता है, दूसरा 6 यूनिट एक घंटे में, यानी 11 यूनिट तो भर देता है, लेकिन तीसरा नल क्या करता है, 10 यूनिट खाली कर देता है, यानी कि अगर टोटली बात करें तो 11 - 10 यानी कि 1 यूनिट हमारा एक घंटे में भरता है। तो 12 घंटे में कितना भरेगा, तो 12 घंटे में आपका भर जाएगा 12 यूनिट। आपसे पूछा टंकी कितना भर जाएगा, यानी टंकी के भाग के बारे में पूछता है, तो टोटल हमारा 60 यूनिट भरने का है, और 12 यूनिट भरेगा, यानी 12/60 यानी कि 1/5 पार्ट टंकी का भर जाएगा 12 घंटे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। दूसरा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, करे यदि ए तथा बी एक काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं। आपके टाइम एंड वर्क से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया था, बट सारे ईजी थे, बिकॉज टाइम एंड वर्क तो आपको ईजी पता होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होता है। करे यदि ए तथा बी एक काम को 20 दिनों में ख़त्म करते हैं, बी तथा सी 15 दिनों में, और सी तथा ए 12 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, साथ ही साथ आपका बी अकेला कितने दिनों में करेगा, ये दो आपके क्वेश्चंस थे। अब हमें स्टूडेंट्स जिन्होंने सेंड किया कहा तीनों मिलकर और बी अकेला, दोनों चीज़ उन्होंने लिख के रखा था। अब हमें ये नहीं पता कि दोनों चीज़ पूछे थे या नहीं एग्जैक्ट, या फिर हो सकता है कि दोनों चीज़ पूछे ही हों,
या फिर हो सकता है आपको तीनों के काम का पूछा हो या फिर बी के अकेले का पूछा हो, तो जो भी आप उस मैं आपको दोनों निकाल देती हूँ, आप दोनों में से किसी भी दो जो दोनों में से जो भी पूछा होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। करा ए तथा बी एक काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं। आपको टाइम एंड वर्क का फंडा जो दिया है उसे लिख लो, तो ए और बी 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 12 दिन में करते हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप एलसीएम ले लो, तो 20, 50 एंड 12 का एलसीएम 60। अब आप इसे एलिगेट करो जैसा है कि पिछले क्वेश्चन में आपको डिवाइड किया, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 23, 60 डिवाइडेड बाई 15 4, 60 डिवाइडेड बाई 12 5। अब पिछले क्वेश्चन जैसा ही इसी सेम ये हमारा हो गया, टोटल वर्क हमें करने थे 60 यूनिट 3 4 5, ये सारे इफिशेंसी हो गए कि ए और बी जो है दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करेगा, बी और सी 4 एंड सी एंड ए 5 यूनिट करेगा। अब यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूछ रहे तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो आपको दे रखा है ए और बी करता है 3 यूनिट, बी और सी करता है 4 यूनिट एंड सी और ए करता है 5 यूनिट, यानी टोटली बोले तो 5 और 9 3 12 यूनिट तो कर रहा है। बट अगर दो बार ए काम करेगा, दो बार बी करेगा, दो बार सी करेगा, तब तो यानी कि 2 into A + B + C = 12 यूनिट। एक ये हम आपको क्या बता रहे, एक दिन का वर्क, तो ए और बी और सी तीनों का एक दिन का हमारा वर्क कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 यूनिट। तो अगर तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करेंगे और टोटल करने 60 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 10 डेज लग जाएंगे अगर आपको ए बी और सी तीनों का पूछा हो। तब अगर आपके बी का पूछा होगा तो हम बी का कैसे निकालेंगे, आपका निकल चुका है कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं। अब हम यहाँ से बी का कैसे निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितना करता है, अगर हम इसमें सी और ए का घटा लेंगे तो ए बी और सी अगर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं और सी और ए 5 यूनिट, तो बी अकेला कितना करेगा, तो बी का हमारा 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, तो 6 - 5 यानी कि 1 यूनिट। तो बी अगर एक दिन में आपका 6 - 5 सी और ए का वर्क, तो बी अगर एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो टोटल उसे कितने डेज लग जाएंगे करने में, तो 60 डिवाइडेड बाई 1, 60 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 60 डेज उसे लगेंगे ये काम को करने में। ये थे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है कि आपको दे रखा है क्या, ये भी आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 11, 20 तथा 55 दिनों में करते हैं, यदि ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी बारी बारी से इसी तरीके से काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप स्टूडेंट्स इसे ज़्यादातर स्किप करके आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो यार हमसे बनेगा ही नहीं, कैसे बनाऊंगे मैं, ये सारे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं स्टूडेंट्स को। तो हमने आपको क्या बोला है कि आप सबसे पहले सारे क्वेश्चन को मत पढ़ो, जो दिया गया उसे पढ़ लो। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। बोल रखा है कि ए जो है 11 यूनिट, ए 11 दिन में करता है, बी 20 डेज में करता है, सी 55 डेज में करता है। अब हमें इतना पता चल गया। उसके बाद हमने आपको क्या बोला कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ो या ना पढ़ो, ये 3 स्टेप करो। सबसे पहले जो दिया गया उसे लिख लो, दूसरा स्टेप एलसीएम ले लो, तो 11, 20 एंड 55 का एलसीएम कितना हो गया, तो 220 आ गया। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा एलिगेशन का, 220 डिवाइडेड बाई 11 हो गया 20, 220 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया 11 एंड 220 डिवाइडेड बाई 55 4। अब ये हमारा जैसा कि सारे क्वेश्चंस में 220 हमारा हो गया टोटल वर्क हमें करने, 220 यूनिट, 20, 11, 4 ये सारे हमारे आ गए इफिशेंसी। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, करें कि ए के साथ एक दिन बी करता है, अगले दिन सी करता है, इसी तरीके से चलते रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डे देखें, फर्स्ट डे जो है फर्स्ट डे वो कितना यूनिट काम करेगा, ए करेगा 20 यूनिट, बी करेगा 11 यूनिट, यानी कि 33 यूनिट। तो हमारा फर्स्ट थर्टी वन यूनिट तो हमारा फर्स्ट डे ही वर्क हो गया। अब सेकेंड डे हमारा क्या हो रहा है कि एक दिन ए के साथ बी करता है, सेकेंड दिन सी करता है, तो सेकेंड डे सी करेगा, तो 20 + 4, ए करता है 20 यूनिट, सी करेगा 4 यूनिट, तो 24 यूनिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा काम चलते जाएगा, तो एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी, तो हम क्यों ना दो दिन का 1 + 2 दोनों दिन का हमारा निकालते कि दो दिन में वो कितने यूनिट वर्क करेंगे, तो 55 यूनिट। अब इसी तरीके से हमारा सिलसिला दो दिन का चलता जाएगा। तो अगर दो दिन में हमारा 55 यूनिट वर्क होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं 55 यूनिट हमारा वर्क हो रहा है कितना दिन में, तो 2 डेज में। तो अब हमारा बात कितने यूनिट की कर रहा है, 220 यूनिट को, तो वो कितने दिन में होगा, तो 2 into 220
डिवाइडेड बाई आपका 55, तो कितने दिन में होगा, तो आपका 8 डेज में पूरा काम कंप्लीट होगा। आप इसे चाहो तो इतना आप नहीं करो, आप फर्स्ट डे सेकेंड डे करते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 डेज तक। थर्ड डे करेंगे तो फिर से 31 ऐड करेंगे, फोर्थ डे फिर से 24 ऐड करेंगे, तो आपका 8 डेज ही आने हैं, बट वो आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आपको हर बार ऐड करके देखने होंगे कि हमारा 220 यूनिट तक पहुँचा कि नहीं, बट आपका ये आसानी से आ गया, 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा इस तरीके से दिया गया था, अंडर रूट के फॉर्म में आपको पूछा था कि इसमें से कौन सा सही है आपके दो, इस तरीके से फर्स्ट आपका ये है, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। आपको बोल रखा था फर्स्ट हमारा इक्वेशन सही दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या सेकेंड स्टेटमेंट सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है या दोनों सही है। अब आपको इसमें चेक करने थे, तो इसके आपको बनाने के तरीके क्या है कि एक तो आपको सबसे ईजी वे क्या है कि आप 1 से लेकर 10 तक सारे के रूट रट जाओ, तो हम सारे के रूट रख सकते हैं। तो वो अगर आपको लेंदी लगे तो सबसे पहले हम सारे के रूट आपको बता देते हैं। अंडर रूट 6 आपको दे जो जो रखा है हम उसके रूट बता रहे हैं। अंडर रूट 6 का रूट कितना हो जाता है, तो हमारा हो गया 2.449। अब बात करें हम अंडर रूट 5 आपका दे रखा है, तो अंडर रूट 5 का रूट हो जाएगा 2.2360। इसी तरीके से आपको और भी सो ऑन चलते जाएगा। फिर रूट 8 की बात कर रहा है, रूट 8 क्या होगा हमारा, तो 2.828। इसी तरीके से सो ऑन चलते जाएगा। रूट 6 तो हमें पता है, रूट 7 हमारा कितना हो जाता है, तो रूट 7 हमारा हो जाता है 2.645 एंड सो ऑन। अब बात करेंगे रूट 5 हो गया, रूट 3 की बात कर लेते हैं, तो रूट 3 1.732। बाकी आप 1 का जानते हो, रूट 2 होता है 1.414, रूट 3 का हमने बता दिया, रूट 4 हो गया 2, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 एंड रूट 9 का तो हमें पता है कितना होता है, तो 3। अब इतने सारे आपके रूट होते हैं तो इतने सारे के आपको वैल्यूज़ याद रखने पड़ेंगे, तो जो कि सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है। अब आप सबको माइनस करके चेक कर सकते हो, रूट 6 माइनस रूट 5 किया, सबसे पहले हम इसे चेक किए, तो रूट 6 माइनस रूट 5, अब इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो 0.213। अब उसी तरीके से आप चेक करोगे रूट 8 माइनस रूट 6, तो ये हमारा हो जाएगा 0.378। फिर हमने चेक किया रूट 7 माइनस रूट 6, तो हो गया 0.196, रूट 5 माइनस रूट 3, तो 0.504। तो आप इसमें से चेक कर सकते हो आपका बड़ा कौन सा आ रहा है, तो रूट 8 माइनस रूट 6 फर्स्ट इक्वेशन में अगर बात करें तो बड़ा आ रहा है रूट 8 माइनस रूट 6, यानी कि ये वाली, इसमें भी बोले तो ये वाली ही हमारी बड़ी आ रही है, यानी कि दोनों में से कोई नहीं सही है। ये तो हो गया एक तरीका कि आप इसमें, आपको इसमें रूट सारे के वैल्यूज़ याद रखने होंगे। वैसे तो आपको एग्जैक्टली याद कितने के रखने, रूट 3 का लगभग सारे को याद होता है, बट बस इन चारों को आप याद रख लो, आपको ईजी हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारा क्या है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करके चेक कर सकते हो, तो रूट 6 माइनस रूट 5 को होल स्क्वायर किया, तो 6 प्लस 5 माइनस 2 रूट 3 30, तो ये हमारा 11 माइनस 2 रूट 30। उसी तरीके से 8 रूट 8 माइनस रूट 6 किया, तो 8 प्लस 6 माइनस 2 रूट 48 हो गया, तो 8 × 6 = 14 माइनस 2 48 है, तो ये हम इसे कर सकते हैं हमारा 48 में होता क्या है, 4 रूट 3 हो जाएगा, निकल जाएगा हमारा कितना, तो 4 × 2 = 8 रूट 3। अब आप इसमें से इसे सॉल्व करके देखोगे, रूट थ्री आपका अप्रॉक्स 6 के लगभग चला जाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं कितना, तो 5 × 2 = 10 यानी कि 1 हमारा बचेगा। आप इधर से चेक करो तो ये तो हमारा 8 ही रह जाएगा, तो आपको डायरेक्टली ये भी दिख रहा होगा, ये तो हमारा 1 हो रहा है माइनस करके, एंड इसे चेक करेंगे तो ये हमारा 1 point something, ये हमारा रूट थ्री तो 1 point something होता है, यानी 8, तो 14 − 8 = 6 होता है, तो आपको ये बड़ा हो गया। तो ये हो गया दूसरे तरीके, आप दूसरे को भी इसी तरीके से होल स्क्वायर करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आपको पूछ रहा था इतने का सम क्या होगा, तो आपको इसमें करने क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने आपको शायद सुबह ही बताया था, फिर भी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको इसमें दो तरीके होते हैं। एक तरीके तो हमने आपको सुबह के वीडियो में बता दिए कि आप एपी के थ्रू, दूसरा तरीका क्या होता है जो कि आपको ज़्यादा हार्ड लगते हैं, स्टूडेंट्स उससे भी बनाते हैं बट वो ज़्यादा हार्ड आपके लिए हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे इसके 16 तक, फिर आपका 17 से तो आपका दे के रखा है क्वेश्चन में, इस तरीके से 40 तक। अब आप इन नंबर्स का सम जानते हैं, n × n+1 / 2 होता है। अब आप इस फॉर्मूले से इसे बनाओगे, इस फॉर्मूले से हम बनाते कैसे है कि आप 1 से लेकर 40 तक देख लो, 40 × 41/2, और माइनस आपको क्या करने पड़ेंगे 16 तक का आप माइनस कर लोगे, आपका आ जाएगा तो −16 × 17/2। अब ये किया 8 times हो गया, ये किया 20 times हो गया, अब आप इन सारे को कैलकुलेट कर लो, 2 × 4 = 8 = 820 −17 = 8 = 56 = 8 × 5 = 13। अब आप इन दोनों को माइनस कर लिया, 6 × 4 = 10 8 × 3 = 11 1 = 12 6 × 7 = 8, तो ये भी आपका मेथड से 684 आ गया। एक हमने आपको सुबह
एपी का मेथड बताया था, इसमें हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन में कहीं पे डिफॉल्ट हो जाए, तो एग्जैक्ट बिकॉज एग्जैक्ट आई थिंक हो सकता है कभी कभी आपके सॉल्यूशन में हमारे वीडियोस में डिफर हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाते हैं, तो आई थिंक आपके आंसर 684 ही आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपके पास भी और भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, इससे और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।